रोलिंग एक्शन। रोलिंग एक्शन। अभी अगर फिर से गिर जाता तो सब बेकार। दो दो रोलिंग एक्शन। एक सेकंड सर। रोलिंग एक्शन। अभी अगर गिर जाता तो सब बेकार होते। शुक्र है बेटा गिरा नहीं। दो मिनट। तो हमें लाइट लेने। हाँ इनसाइड है भाई। रोलिंग रोलिंग एक्शन। दो हमें रोल दादी बोल देना। गोली मारूंगा सीधा एकदम। सोच लेना अरे चल कुछ नहीं। पिछली तो अच्छी बन रही ना। श्रद्धा बोलती है और बाकी का सामान मैंने मार्केट से मंगवा लिया है बाबूजी। बल्लू मन मो बल्लू से दादू से दादी बल्लू से जब भी लाएंगे ना। सोले खिचड़ी तो अच्छी बन रही माँ। सोले सोले एक्शन। खिचड़ी तो अच्छी बन रही माँ। श्रद्धा बोलती है और बाकी का सामान मैंने मार्केट से मंगवा लिया बाबूजी। अच्छा बल्लू आज पंडितों को ना घर का बना हुआ खाना नहीं मिलेगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये। क्या करें माँ तुम्हारे बाबूजी की बनाई हुई रस्मों की परंपरा। परंपरा दादी पहले परंपरा आज टूट रही है बल्लू। ठीक है सॉरी सॉरी। मार्केट से मैंने सारा सामान मंगवा भी लिया है। अच्छा बल्लू आज पंडितों को घर का बना हुआ खाना नहीं मिलेगा। तेरे बाबूजी की परंपरा बनाई थी ना जो वो अब टूटने वाली है लगता है। बरसों की परंपरा नहीं। अरे कौन है रे। रोलिंग एक्शन पे डायलॉग डाल। बल्लू आज पंडितों को ना घर का खाना नहीं मिलेगा। तेरे बाबूजी की बरसों की बनाई हुई परंपरा आज टूटने वाली है मुझे लगता है। इस घर की कोई परंपरा नहीं टूटेगी दादी माँ। सबकी भी आन आए चल के बोलते हैं पंडितों के लिए सारा खाना घर पे ही बनाए और थपकी ने ही बनाया है। अच्छा। लेकिन कैसे हाँ। दादी रेडी। ये ज्यादा ऊपर तो नहीं है ध्यान। हाँ बहुत ऊपर है। ओके सर बलिंदर जी यहाँ कर ले। हाँ ध्यान नीचे हो गया। नहीं ये पकड़ लीजिए ध्यान के आने पे। रोलिंग रोलिंग एक्शन। इस घर की कोई परंपरा नहीं टूटेगी दादी माँ। देखा तब की ध्यान चल के आ रहे हैं वो आगे आके खड़े हुए बोलते हैं पंडितों के लिए सारा खाना घर पे ही बनाए और थपकी ने ही बनाया है। हैं? लेकिन कैसे बयान बोलता है थपकी तुम ही बताओ। बताओ थपकी बिटिया। थपकी बताना शुरू करती है वो क्या हुआ था मैंने ये किया था। सुन रही है बता रही है अचार मैंने ऐसे करा पापड़ के लिए फिर मैंने ऐसे किया फिर वो उसको सुखाया। सुन रही है बच्ची ने कैसे मतलब आपके घर के लिए चीजें बचाने के लिए क्या क्या कर रहा है इतनी रात भर। तो रात जागी है वो कंटिन्यू बता रही है रात भर मैं जागी थी। अच्छा। मैंने पापड़ सुखाया लाइट के नीचे रख के और फिर अचार लेके आई उसको भी मैंने लाइट के नीचे रख के सुखाया। ये बता रही है बता चुकी है वो
और दही घी का क्या किया? और दही घी कैसे बनाया? दही घी हाँ, और दही घी अच्छा, और दही घी और दही घी ध्यान बताए। वो क्या है ना बाबूजी, घर में दूध बहुत था, हम हलवाई के यहाँ ले गए और बड़ी कढ़ाई में घी बनवा लिया, अभी अभी वहीं से आ रहे हैं। और दही का क्या हुआ ये तो कैसे, मतलब घर में तो एक चम्मच दही नहीं था, दही कैसे जमाया? घर में तो एक चम्मच दही नहीं था, तो दही जमा कैसे? ध्यान बोलता है, वो एक चम्मच दही का इंतजाम थपकी ने वहां से किया जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। थपकी बोलती है, दादी माँ वो एक्चुअली कॉलेज की छुट्टियाँ थी ना, तो सारे स्टूडेंट्स अपने घर गए थे, तो अपने घर से लौटते टाइम वो ट्रेन से आते हैं कॉलेज, और उनके पेरेंट्स उन्हें दही और शक्कर से उनको आशीर्वाद दे रहे थे। प्यान बोलता है, और बस थोड़ा सा आशीर्वाद वाला दही हम भी ले आए उनसे। अरे वाह शाबाश थपकी बिटिया, तुमने बहुत समझदारी से सर। एक लाइन है थपकी के बीच में, थपकी बोलती है और मैंने थपकी बोलती है और मैंने उससे दही जमा दिया और आटे के डब्बे में रख दिया ताकि जल्दी जम सके। शाबाश थपकी बिटिया, तुमने बहुत समझदारी से काम लिया है। शुक्रिया बाबूजी, जय थपकी बेटा। मैंने नाराज होकर तुझे पता नहीं क्या क्या कह दिया, तूने हमारे घर की परंपरा को बनाने के लिए इतना कुछ कर डाला। बचाने के लिए आपने उसकी गाल पे हाथ लगाया था ना मास्टर में, वो थपकी बेटा मैंने गुस्से में पता नहीं तुझे क्या क्या कुछ कह दिया और तूने इस घर की परंपरा। दादी नहीं लाइन, क्या क्या कुछ नहीं, क्या क्या बोल दिया, क्या कितना भी कुछ बोल, कितना कुछ बोल दिया। थपकी बेटा मैंने नाराज होकर तुझे क्या कुछ नहीं कह दिया, तूने इस घर की परंपरा को बचाने के लिए इतना कुछ किया, मेरे बच्चे हो सके तो मुझे माफ कर देना। दादी माँ चल बेटा ऐसा कर, बाकी का सारा सामान भी ले आ। ध्यान से अरे नहीं हाँ जा बेटा जी सर। छपकी बेटा मैंने नाराज होकर पता नहीं तुझे क्या कुछ कह दिया और तूने इस घर की परंपरा को बचाने के लिए इतना कुछ किया, हो सके तो मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। अच्छा सुन, बाकी की सारी तैयारी कर ले ठीक है। बाकी की सारी तैयारी कर ले, क्या लाने हैं? चल ऐसा कर बेटा, बाकी का सारा सामान ले आ, हैं?